हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल यूनिक एडिटिंग जोन में। तो गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यह मेरी पहली वीडियो है। गाइज, आप अपने भाई को फुल सपोर्ट करना, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है, तब जाके मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया है। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइज, हम अपना फ़ोटो एडिटिंग शुरू करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने पिकार्ट के अंदर। तो गाइज, चलिए हम फोटो एडिटिंग शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस बंदे के फेस पे जो रिंकल्स आ रहे थे उसको पहले मिटा लेंगे, इस फोटो को पहले स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, आज पहले ब्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको इस फेस फिक्स वाले ऑप्शन पे जाना है। गाइज, फेस फिक्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद क्या करना है, गाइज जूम कर लेना फोटो को और धीरे धीरे से इस फोटो को स्मूथ कर लेना। गाइज, मैं कर लेता हूँ, गाइज मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। गाइज, मैंने यहाँ पर फोटो को स्मूथ कर लिया। गाइज, देख लीजिए कितना अच्छे से स्मूथ हो गया है। अगर नहीं हुआ रहेगा तो फिर से हम इसी वाले ऑप्शन पे जाके फिर से स्मूथ कर सकते हैं। तो गाइज, मेरा हो चुका है तो मैं नहीं करूँगा। तो चलिए गाइज, इसे डन कर लेंगे। डन करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर हमको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाना है। गाइज, ये वाला इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद क्या करना है गाइज, हमको गाइज आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। गाइज, ये रहा, और आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद क्या करना है गाइज, हमको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। गाइज, इन्वर्ट करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर धीरे हल्के हल्के से इसके डेनी में उस पर हल्के हल्के से मार देना है। गाइज, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। कर लिया, यहाँ से डन कर देंगे। गाइज, डन कर दिया है, और डन करने के बाद क्या करना है गाइज, हमको जल्दी से इसको सेव कर लेना है। गाइज, सेव करने के बाद क्या करना है, पहले ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है। गाइज, ड्रॉ वाले टूल पे जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइज, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको नीचे करके इसको यहाँ से मर्ज कर देना है। गाइज, मर्ज करने से क्या होता है, हमारा जो फोटो है एकदम HD में सेव हो जाता है। गाइज, यहाँ पर से हम इसको सेव कर देते हैं। क्या करना है गाइज, हमको इस फोटो को लाइट रूम के अंदर ले जाना है। तो चलिए गाइज, मैं इस फोटो को लाइट रूम में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम के अंदर आने के बाद क्या करना है गाइज, हमको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका एक्सपोजर है गाइज, इसको हल्का सा बढ़ा देना है। एक्सपोजर बढ़ाने के बाद क्या करना है गाइज, हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर हमको इसको थोड़ा सा ग्रीन टोन देना है। गाइज, ग्रीन टोन देना है गाइज, यहाँ पर हल्के से इसको बढ़ा देंगे। गाइज, पहले वाले ऑप्शन को हल्के से बढ़ा देंगे। गाइज, हल्का सा ही बढ़ा देना है। गाइज, यहाँ पर 3 रख लेना है इसको। गाइज, इसको और क्या करना है गाइज, यहाँ पर मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइज, मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइज, सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका सेचुरेशन हल्का सा माइनस कर देना है। इसका उसके बाद क्या करना है, इसका ल्यूमिनेंस हल्का सा बढ़ा देना है। ल्यूमिनेंस बढ़ाने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर इसको ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइज, ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसका सेचुरेशन फुल माइनस कर देना है। गाइज, इसको ल्यूमिनेंस हल्का सा बढ़ा देना है। गाइज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। गाइज, देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर पीले वाले यानी कि येलो टोन पर क्लिक करना है। गाइज, येलो टोन पर क्लिक करने के बाद इसका भी सेचुरेशन फुल माइनस कर देना है। गाइज, देख लीजिए हमारा फोटो कैसा हो चुका है, पहले से अच्छा हो चुका है। तो इसका ल्यूमिनेंस हल्का सा बढ़ाना है। गाइज, अगर आपको फोटो में ज़्यादा लाइट नहीं है तो बढ़ाइए, नहीं है तो मत बढ़ाइए, इससे फोटो ख़राब हो जाएगा। गाइज, यहाँ पर फिर से सेकेंड वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ गाइज, यहाँ पर इसका सिचुएशन हल्का सा कम करना है। गाइज, देख लीजिए, यहाँ ऐसे करके कम कर ले, यहाँ से डन मार देना है। गाइज, डन मारने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका VGTN है इसको हल्का सा माइनस कर देना है। गाइज, माइनस करने कितना माइनस करना है गाइज, यहाँ पर -54 कर लेना है। 54 करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर
इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका शार्पनिंग हल्का सा बढ़ा देना है गाइस। शार्पनिंग बढ़ाने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमको नॉइज रिडक्शन हल्का सा बढ़ा देना है। नॉइज रिडक्शन बढ़ाने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पर कलर नॉइज रिडक्शन बढ़ा दीजिए गाइस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से कहता हूँ, इस वीडियो को डाउनलोड कर ले और स्लो मोशन में करके इसको देख सकती है, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आना है, इसको दोनों को ऑन कर देना है। दोनों को ऑन करने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है गाइज, मैं आपको बताता हूँ गाइज, यहाँ पर सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइज। तो गाइज ये हो जाएगा सेव बस थोड़ी ही देर में। तो गाइज ये हो गया सेव। सेव करने के बाद क्या करना है गाइज, इसको हमको फिर से पीक अपने पी कार्ड के अंदर ले जाने गाइज। तो चलिए गाइज हम अपने पी कार्ड के अंदर चलते हैं। मैंने इस फोटो को अपने पी कार्ड में इंपोर्ट कर लिया गाइज। इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर ब्यूटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्यूटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमको फिर से फेस पिक्स वाले ऑप्शन पर जाना है गाइज। फेस पिक्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर इसको जूम करके फिर से हल्के से इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके स्मूथ कर देना गाइज, जिससे आपका फोटो में वाइटनेस आ जाएगा गाइज। चलिए गाइज यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मैंने यहाँ पर कर लिया है और यहाँ से हमको इसको डन कर देना है। डन करने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ से इसको भी डन कर देना है। डन करने के बाद हमको क्या करना है, इसको इसमें एक लाइट का पीएनजी ऐड करना है गाइस। उस लाइट का पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ये रहा है वो लाइट पीएनजी, हम इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पर इसको ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाना है गाइस। ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पर हमको एफएक्स वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको रेड कर देना है। यहाँ पर सबसे लास्ट वाला कलर को ऑप्शन को क्लिक कर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम पूरा रेड कर देंगे गाइज। चलिए गाइज मैं यहाँ पर इसको रेड कर देता हूँ गाइज, ये रहा मेरा रेड हो गया। यहाँ से इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करना है गाइज, इसको यहाँ से साइड में करके लगा देते हैं गाइज। देखिए गाइज ये वाला लगने से कितना अच्छा कूल बन गया हमारा फोटो। चलिए गाइज यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ गाइज, यहाँ से डन कर लेता हूँ। मैं अच्छी तरीके से फिक्स हो गया गाइज, यहाँ से इसको डन कर लेता हूँ। चलिए गाइज मैंने डन कर लिया। फिर से हमको एफएक्स वाले ऑप्शन पर जाना है गाइज। एफएक्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद फिर से हमको आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइज। फिर से हमको वही वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइज। वही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है गाइज, इसको हमको फिर से मल्टीप्लाई कर देना गाइज। मल्टीप्लाई करने के बाद इस बार क्या करना गाइज, हमको इसको टी शर्ट पे हल्के हल्के से मारना है। तो इन्वर्ट करने के बाद क्या करना गाइज, यहाँ से हल्के हल्के से इसके टी शर्ट पे ये वाला इफेक्ट डाल देना गाइज, जिससे इसके टी शर्ट में हल्का सा लाइट आ जाए। ले गाइज यहाँ से मैंने कर लिया, यहाँ से मैंने इसको डन कर लिया। गाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे टाइम निकाल कर फोटो एडिट करिएगा। तो गाइज कैसी लगी आपको फोटो, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और गाइज अच्छी लगी तो कमेंट कर देना गाइज। और ऐसे ऐसे फोटो एडिटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं जब भी वहाँ पर न्यू पोस्ट डालूँगा, मैं उसका मतलब यह होगा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ और आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। चलिए गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।